अब आ जाओ थेरापूटिक यूजेस के ऊपर। सिग्निफिकेंस ये है कि इसने कोलेस्ट्रॉल के प्लाज्मा के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कर दिया डाउन। हर किस्म के हाइपरलिपिडीमिया के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। मेनली अगर मैं हाइपरलिपिडीमिया को क्लासिफाई कर दूँ तो याद है हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस फैमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। भाई हेटरोजाइगस कंडीशन आपके पास क्या थी जिसके अंदर योर पेशेंट वर लैकिंग दी LDL रिसेप्टर्स। तो भाई मेरे जहन में आता है तो ऐसे पेशेंट में तो ये ड्रग आपकी इतनी बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जब हेटरोजाइगस कंडीशन देखें उसमें हम अपने पेशेंट्स को स्टेटिन देते हैं। भाई उसके अंदर LDL रिसेप्टर्स चाहे नहीं है, बकाया सारे मोड ऑफ एक्शन तो परफॉर्म हो रहे हैं ना, तो भी ऐसे पेशेंट को हम लोग ये ड्रग देते हैं। अब मेरे जहन में आता है कि हेटरोजाइगस कंडीशंस के अंदर हेटरोजाइगस फैमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया के अंदर मैं अपने पेशेंट को कौन कौन सी ड्रग्स दे सकती हूँ। भाई अभी मैंने डिस्कस कर दिया स्टैटिन्स आप दे दें अपने पेशेंट को, क्लियर? आप अपने पेशेंट को दे दें PCSK9 इनहिबिटर्स, ये ड्रग क्लास भी अपने पेशेंट को आपने दे दी। देन यू हैव द MTP इनहिबिटर्स जो आपको रिसर्च आर्टिकल्स में मिलेंगे। इसमें M क्या है, दैट इज़ माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसफ़र प्रोटीन, माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड, माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड T4 ट्रांसफ़र P4 प्रोटीन, ये इनहिबिटर्स आप अपने पेशेंट को दे सकते हैं। मज़ीद आप अपने अपने पेशेंट को क्या दे सकते हैं, यू कैन गिव देम एंजियोपोइटिन लाइक 3 इनहिबिटर, एंजियोपोइटिन लाइक 3 इनहिबिटर, एनजीओ POIETIN एंजियोपोइटिन लाइक 3 इनहिबिटर दे सकते हैं। इसकी एब्रीवेशन क्या है, ANGPTL3 एंजियोपोइटिन, एंजियोपोइटिन L4 लाइक 3 इनहिबिटर्स, क्लियर? भाई ये ड्रग क्लासेस हैं जो आप अपने पेशेंट को देंगे।